हाय फ्रेंड, जानकार इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास मारुति की वैगनार गाड़ी है, ये CNG पे कन्वर्ट नहीं हो रही ऑटोमेटिक। यहाँ पे देख सकते हो CNG का लाइट ब्लिंक करता है, CNG पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं हो रही, देख सकते हो CNG की लाइट ब्लिंक करते, लेकिन CNG पे कन्वर्ट नहीं होती। तो अपन इसको एक बार स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी करता हूँ बंद, मिशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे हमारे स्कैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कैन करके आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओल्ड मेन्यू वैगनार, इंजन कंट्रोल K-series इंजन, रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें आ रहा है इंटेक एयर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड, करंट में आ रहा है, और कैनिस्टर सोलेनोइड वॉल का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अपन इसके एक बार वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग का प्रॉब्लम है क्या है। आज इसका लोकेशन एयर टेम्परेचर सेंसर, तो यहाँ पे इसका वायरिंग देखेंगे। तो ये मैंने कनिस्टर वाल और पीछे टोटल बॉडी का वायर निकाल के रखा था, इसके लिए उसका फॉल्ट कोड आ रहा था। मेन प्रॉब्लम अपना है ये इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वायरिंग मैंने चेक किया है, ये देख सकते हो वायरिंग कटी हुई है, जिसकी वजह से अपना CNG पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अपन इसको एक बार जॉइंट मारेंगे, उसके बाद फिर आप CNG पे कन्वर्ट हो रही है कि नहीं आप दिखा। इधर पास के हाँ से ब्रेक इंटेक एयर टेम्परेचर का वायरिंग है, और ये कटा हुआ है। देखो यहाँ से वाइब्रेशन से, इंजन के वाइब्रेशन से कट गया है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी CNG पे कन्वर्ट नहीं हो रही। इसको करेंगे ज्वाइंट, एक बार लगा के देखते हैं होता है। आप देख सकते हैं इंटेक एयर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड हिस्ट्री में जा चुका है, एक बार अपन इसे क्लियर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक CNG पे कन्वर्ट हो गई।
ये भाई ने कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक। फिर से एक बार बंद करके दिखा दो आपको। और बड़े भी कुछ नहीं आ रहा है आपको बड़ी बड़ा। देख सकते हैं आप कन्वर्ट कर दिए, सीएनजी पे कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।